पाकिस्तान किस तरह फाइनल में आ गया। एक बार ना एक बादशाह थे जिन्होंने ये शौक चढ़ा उनको कि मैं एक तालाब बना देता हूँ, और उस तालाब में उसने क्या किया कि बड़े 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 मगरमच्छ डाल दिए और कहा कि अगर कोई भी बंदा इसको पार करेगा तो मैं उसको इनामात से नवाजूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों का इतना प्यार मिलेगा। कुछ दोस्तों के मैसेजेस आए कि वर्ल्ड कप चल रहा है, उस पर कुछ तबसरा हो जाए। तो जैसा मैंने पहले कहा कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से कुदरत का निज़ाम दिख रहा है तो मैंने सोचा कि चलो कुदरत के निज़ाम में हमारी भी एक एनालिसिस हो ही जाए। चूँकि मेरा मोस्ट ऑफ द लास्ट मंथ जो है ट्रैवलिंग में गुजरा, इसलिए मैं वर्ल्ड कप के सारे मैच नहीं देख पाया उतना क्लोजली। लेकिन जब मैंने कुछ मैच के हाइलाइट्स देखे और ओवरऑल नतज देखे, तो फिर वैसा ही जैसे आप सब लोग कह रहे थे, कुदरत का निज़ाम उसी तरीके का कारवां चल रहा था। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मुबारकबाद देनी पड़ेगी सब कॉन्टिनेंट से, पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं जैसा सब लोगों को पता है, और वहाँ से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुकी है। इनमें एक चीज़ कॉमन है कि हम देखें तो न्यूजीलैंड अक्सर बेशतर बड़े टूर्नामेंट्स में अपनी जिसको हम कहते हैं ना वो देयर लाइक नो एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज़। अब कुछ सालों से ये डिबेट भी ख़त्म हो गया है क्योंकि न्यूजीलैंड के बहुत क्लोज कॉल्स हुए हैं, जैसे कि 50 ओवर वर्ल्ड कप में हुआ था या पिछले साल उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जीत ली। तो आते हैं इन मैचों पर। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया का मैच होना है एडिलेड ओवल में और पाकिस्तान का होना है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। और यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करनी है कि जहाँ पर मैं काफ़ी सुन रहा था कि पाकिस्तान कुदरत के निज़ाम से पहुँच गया, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि उनको और टीमों से थोड़ी सी मदद चाहिए थी। और जिस तरह से सारे फहरिस्त साउथ अफ्रीका हमेशा कुर्बानी देता रहा, और साउथ अफ्रीका ने इस बार भी कुर्बानी दे दी उनके लिए, लेकिन माड़ी क्रिकेट उन्होंने खेली नहीं है। अगर हम देखें जब इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ, बहुत क्लोज मैच हुआ, वो तो विराट की ब्रिलियंस ने मैच जिताया था इंडिया को, नहीं तो पाकिस्तान तो गेम में लास्ट तक था। और उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि उनका जिम्बाब्वे के खिलाफ बहुत क्लोज मैच हुआ था जो लास्ट ओवर तक गया था, जाना नहीं चाहिए था, इतना कम टोटल पे उनको वहाँ पे वो किल करना चाहिए था वहीं पे वो मैच। और जिस तरीके से उन लोगों ने वो मैच वहाँ पे हारा है वो शर्मनाक था। बट देन अगर हम देखें कि नामीबिया का श्रीलंका को हरा देना, नीदरलैंड का उधर से हम देखते हैं कि इंग्लैंड को हरा देना, सॉरी इनको साउथ अफ्रीका को, या आयरलैंड का देखते हैं कि इंग्लैंड को हरा देना, तो मैं इनको तुके भी नहीं कहूँगा क्योंकि वो लोग मेहनत करके आए थे, क्वालिफाई किया था उन्होंने, और उन्होंने एक अपना खेलना था और खेल के गए। वो उसी तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान ने पिछले दो तीन मैचों में कुछ ब्रिलियंट क्रिकेट खेली। अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छा खेला। अब लोग कह रहे हैं कि तुके लगे, नहीं तुके नहीं लगे, एक्चुअल में बाबर और रिजवान नहीं चल रहे हैं, बट उनका मिडल ऑर्डर जो अभी तक फायर नहीं हो रहा था, मिडल ऑर्डर ने काम करना शुरू कर दिया है। रादर मैं जोकिंगली कह रहा था कि बाबर कह रहे हैं कि मुझे मेरा इंजमा मिल गया है हारिस की शक्ल में। काफ़ी डिबेट चल रही है कि नहीं हारिस को ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बाबर वन डाउन चला जाए बेहतर होता, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है। उनको शायद उसी कम्बिनेशन के साथ जाना पड़ेगा कि बाबर रिजवान ओपन करे, थोड़ा सा इंटेंट दिखाना पड़ेगा उनको। और पाकिस्तान के लिए बेस्ट चांसेस है जो कल होने वाला है मैच, उनके लिए बेस्ट चांसेस है कि अगर वो टॉस जीतते और बैटिंग करते हैं, स्कोर ऑन द बोर्ड यू नो इन द बिग मैचेस आर अ बिग प्लस। अगर उनको चेज करना पड़ा कुछ भी 160 प्लस उनके लिए मुश्किल है, मुझे लगता है 150 से ऊपर उनके लिए बड़े प्रेशर मैच में शायद हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। बट अगेन जब हम देखते हैं, अगर दूसरे मैच की बात करें इंडिया इंग्लैंड के बारे में, तो मेरा ये मानना है कि जो भी टॉस जीतेगा उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। और शायद से हम लोगों को जिस तरह से हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि पाक इंडिया फाइनल देखने को शायद मिले, हालांकि दोनों टीमें जो अंग्रेजों की है बहुत ख़तरनाक है, कभी भी किसी को भी उड़ा सकती है, टॉस पे काफ़ी डिपेंड करेगा। मोस्ट लाइकली जो टॉस जीतेगा वो शायद वो मैच भी जीतेगा। बस हर एक टीम को दो दो मैच जीतने हैं फाइनल जीतने के लिए,
कि सेमीफाइनल का जो मैच जीतेगा और फाइनल का एक मैच, यानी कि उनको ज़िंदगी की वो दो बेहतरीन इनिंगें खेलने, हर एक प्लेयर को उनको शाहरुख खान ने जैसे चक दे इंडिया में कहा था कि आप लोगों के पास यही 60 मिनट है, तो उनको सोचना है कि यही 60 मिनट है हमें हीरो बनने के लिए। और बेशक कोई भी जीत सकता है, लेकिन जिस तरह हम लोगों ने देखा कि टूर्नामेंट मैक्सिमम बारिश की नज़र हो गया, काफ़ी टीमों को बहुत अनड्यू एडवांटेज मिली और खेलने का मज़ा नहीं मिला। जैसे हम अफगानिस्तान की टीम देख रहे हैं कि वो शायद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेलती, या उसकी तरह छोटी छोटी जो टीमें थी बड़े बड़े ग्राउंड में खेलती, लेकिन बारिश ने मज़ा किरकिरा कर दिया। और अंपायरिंग जहाँ तक है, वो अंपायरिंग बहुत पैथेटिक रही है इस पूरे टूर्नामेंट में। छोटे छोटे टीमों के खिलाफ अंपायरिंग उस लेवल की नहीं रही है। हमने जहाँ पे देखा कि जहाँ पाकिस्तान बांग्लादेश मैच में कुछ डिसीजन अच्छे नहीं हुए, पाकिस्तान नाराज़ है जब इंडिया के साथ मैच हो रहा था, तो उसी तरह से बाकी टीमों के विरुद्ध भी अंपायरिंग का जो स्टैंडर्ड है कुछ अच्छा नहीं रहा। लेकिन मैच मज़े का होगा, टाकरे का होगा, देखते हैं कि किस तरह से अभी फाइनल की शेप बनती है। और मेरा यही मानना है जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा। और यहाँ पे मैं एक बस छोटी सी कहानी आप लोगों को कहूँगा कि पाकिस्तान किस तरह फाइनल में आ गया। एक बार ना एक बादशाह थे जिन्होंने ये शौक चढ़ा उनको कि मैं एक तालाब बना देता हूँ। और उस तालाब में उसने क्या किया कि बड़े 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 मगरमच्छ डाल दिए और कहा कि अगर कोई भी बंदा इसको पार करेगा तो मैं उसको इनामात से नवाजूंगा। और उतने में ही एक बंदा कूद पड़ा और उसने क्रॉस कर दिया, तो शोर मचा कि फला बंदा ने एक ऐसा काम कर दिया। और जब लोगों ने भी उसको सराहा, बादशाह ने अपने पास लाया और बोला कि भाई क्या चाहिए, कितना इनाम चाहिए। लेकिन वो रो रहा था, उसने बोला रो क्यों रहे हो, आपको तो इनाम लेने का टाइम है, मैं इनाम देता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा कि बादशाह साहब बस मुझे उस बंदे को दिखा दो जिसने मुझे धक्का दिया था उस तालाब में। तो इसी तरह से पाकिस्तान अभी तक ढूंढ रहा है किसने धक्का दिया। लोगों की दुआएं थी और नीदरलैंड का प्यार था शायद से, इस तरह से उन लोगों ने धक्का दिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ गया। लेकिन यहाँ से पाकिस्तान की टीम बहुत खतरनाक होगी सामने वाली टीमों के लिए, वो खुद के लिए भी खतरनाक होती है और आगे वाली टीमों के लिए भी। जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया को भी सोचना पड़ेगा कि उनका मिडल ऑर्डर अच्छे से क्लिक नहीं कर रहा है, ओपनर्स भी उतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं बारिंग फ्राम सूर्य कुमार यादव और विराट को। तो हर किसी को थोड़ा थोड़ा उनका पार्ट प्ले करना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो इंग्लैंड को मात दे पाएंगे। और शायद इंडिया वाहिद एक ऐसी टीम रहेगी जो चेजिंग में कंफर्टेबल रहेगी एडलेड ओवल पे। लेकिन अगेन 160+ कुछ भी स्कोर सेमीफाइनल में बहुत बड़ा स्कोर होता है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक धमाकेदार सेमीफाइनल्स होंगे और फाइनल हम अच्छा उम्मीद करते हैं। और जो ही दो फाइनलिस्ट तय होते हैं तो आप लोगों को फर्दर हम एनालिसिस दे देंगे कि किस तरह का क्या रहेगा और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तब तक के लिए सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, अल्लाह निगहबान।